राम भाई सारे भाइयों ने, मैं थारा भाई योगेश वजीर भाई, मैं एक फार्मासिस्ट भी हूँ। तो दोस्तों, आप सबने बेरा होगा लेम्पी वायरस चला हुआ है और यह बीमारी हमारे जो गाय हैं उनमें देखने को बहुत ज़्यादा मिल रही है, और गुजरात और राजस्थान में बहुत ज़्यादा यह बीमारी चली हुई है। तो इस वजह से काफ़ी जो गायें हैं वो मर भी चुके हैं इस बीमारी से पीड़ित होकर। तो दोस्तों, मेरा यह चैनल आप सभी को इसका नाम पता होगा, वजी साहब फैमिली व्लॉग के नाम से मेरा चैनल है। काफ़ी भाइयों ने मेरे चैनल को सपोर्ट कर रखी है, थैंक यू सो मच उन भाइयों के लिए। और जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबाएं, जैसे कि हम अपनी नई वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा हम जैसे ही वीडियो डालते हैं। तो लेम्पी वायरस के बारे में आप सभी को पता होगा दोस्तों, लेम्पी वायरस का नाम है LSD, लेम्पी स्किन डिजीज। यह बीमारी हमारी गायों में देखने को बहुत ही मिली हुई है। इस बीमारी के लक्षण में आपको पशु के जो गाय की आगे की थुई होती है, आप सभी को भाइयों को पता होगा जो किसान भाई हैं, उसमें पशु की जो थुई है उस पर स्वेलिंग आ जाती है और शरीर पे मोटी मोटी गांठें हो जाती हैं। 2 से 3 दिन बाद उन गांठों के अंदर लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है, फफोले टाइप में हो जाती हैं वो। 1 या 2 दिन में पशु को बुखार हो जाता है, पशु चरना और पानी पीना छोड़ देता है। पहली बात तो हमारे किसान भाइयों से मैं यही अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप इस बीमारी से डरिए मत। अगर आपको पशु को ऐसी बीमारी हो जाती है, आप तुरंत डॉक्टर की सलाह लीजिए। सबसे पहले पशु को अगर बुखार होता है तो उसको बुखार की दवाई दिलाइए, एंटीबायोटिक दिलाइए, इससे आपका पशु हेल्दी हो जाएगा। बुखार पहले अगर आपने पशु को उतार दिया तो वो नॉर्मल आ जाएगा, क्योंकि बुखार के अंदर पशु चरना और पानी पीना छोड़ देता है, उसके नाक से पानी बहना लग जाता है। लेम्पी वायरस जैसे कि हमारी अब कोरोना की बीमारी चल रही थी, ऐसे ही ये एक बीमारी है जैसे कि एक पशु से दूसरे पशु के अंदर आ जाती है। अगर हमारे किसी पशु को लेम्पी वायरस की बीमारी हो जाती है तो हम उस पशु को अन्य पशुओं से अलग कर दें और उस पशु का जूठा हम दूसरे पशुओं को न डालें। दूसरा पॉइंट, हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, डॉक्टर से मेडिसिन इंजेक्शन ये पशु को दिलवाने शुरू करने चाहिए। और आप अपने घर पे भी घरेलू उपचार कर सकते हैं। घरेलू उपचार में आप गुलाबी फिटकड़ी आती है, गुलाबी फिटकड़ी, नीम के पत्ते पानी के अंदर अच्छे तरीके से उबाल के अपने पशु को सुबह शाम दोनों टाइम अच्छे से नहलाएं। अगर कोई गाय अगर नहाने में ज़्यादा दिक्कत होती है उसको, मतलब क्या होते हैं, गाय को काफ़ी बार हमने देखा है कि नहलाते वक्त वो ज़्यादा इधर उधर कूदती है, तो आप कर सकते हैं उसको कपड़ा लीजिए, साफ सूती कपड़ा लीजिए, उसको पानी के अंदर डुबोइए और उसके शरीर पर हल्के हल्के हाथ से फेरना है। आप ऐसा कीजिए और होम्योपैथी के किट आती है, मैं उनके नाम दोनों के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। 290 रुपये की किट आती है, अशोका कंपनी की आती है।
एक सीसी, उसके अंदर दो सीसी आती है, पहले एक सीसी से 1.5 ml, अगर किसी पशु को ज़्यादा है तो दिन में 5 बार, और अगर किसी पशु को कम है यह बीमारी तो दिन में 3 बार। एक सिरिंज ले आइए, फर्स्ट सीसी से हमें 1.5 ml भर के उसकी जीभ पे मारनी है, मुंह खोल के उसकी जीभ पे मार दीजिए सिरिंज दवाई दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम, हमें 3 बार देनी है। अगर किसी पशु को ज़्यादा है तो दिन में 5 बार देनी है। ऐसे ही 5 से 7 मिनट बाद हमें दूसरी शीशी से सिरिंज भरनी है 1.5 ml की, और उसके मुंह में मारनी है। ऐसे 2 किटों में आपके पशु को नॉर्मल आराम आ जाएगा। 4 से 5 दिन में आपका पशु नॉर्मल हो जाएगा, वो चारा भी खाने लगेगा, पानी भी पीने लग जाएगा। दूसरी बात घरेलू उपचार की, एक तो मैंने बताया था फिटकड़ी और नीम वाला, एक और करना है आपको। आप सभी के घर पे बाजरा होगा, हमें आधा किलो बाजरे का आटा लेना है, दरदरा पिसा हुआ होना चाहिए, उसके अंदर 2 हल्दी की चम्मच, जो हम खाना खाते हैं वो छोटी वाली चम्मच, 2 चम्मच डालनी है, 50 ग्राम गाय का देसी घी डालकर उसको अच्छी तरीके से उस आटे की लोई बनानी है हमें। अगर थोड़ा पानी डाल सकते हैं हम आटा गूंथते वक्त, उसके 250 250 ग्राम के 2 हमने रोटियां बनानी है, एक साइड से रोटी को सेकना है, एक साइड से कच्चा रखना है हमको। आप सुबह उस पशु को ये भी दे सकते हैं, लेम्पी वायरस की बहुत ही अच्छी घरेलू जो उपचार है ये बहुत ही अच्छा है। तो दोस्तों लेम्पी वायरस की वजह से आपको घबराना नहीं है, अपने पशुओं पर साफ सफाई का ध्यान रखें, उनके जो कि आप बांधने का स्थान होता है ठान बोलते हैं उनको हम, उसकी अच्छे से सफाई रखें, वहाँ पे उनकी जो खोर होती है वो अच्छे से साफ रखें, जो पीने का पानी है उसकी सफाई होनी चाहिए, और उनके ठानों में कुनीन की टैबलेट पीस के डालनी चाहिए हमको। ऐसे करने से हमें लंपी वायरस से हम अपने पशुओं को बचा सकते हैं। और आप सभी भाइयों से मेरा एक ख़ास अनुरोध और है, जो रोड पर गायें लावारिस घूमती हैं, अगर उन गायों को भी आपको ऐसी लंपी वायरस की बीमारी दिखे तो आप डॉक्टर को कॉल करें, गवर्नमेंट डॉक्टर हैं उनको तुरंत सूचना करें, और उन गायों को आप भी आप इलाज करवाएं। तो दोस्तों मैंने कल एक वीडियो देखी थी, क्योंकि मैं भी व्लॉग बनाता हूँ तो यूट्यूब पे काफ़ी आदमी है जो व्लॉग बनाते हैं, पाल फैमिली व्लॉग के नाम से उनका चैनल है, उन्होंने मेरे को भी सब्सक्राइब कर रखा है, थैंक यू सो मच। उनकी बहुत ही पालतू गायें थी, एक लाली नाम था, उसको भी लैम्पी वायरस की बीमारी हो गई थी, 5 से 4 दिन में वो गाय ख़त्म हो गई। उन्होंने डॉक्टर से फुल ट्रीटमेंट करवाया, प्राइवेट डॉक्टर, गवर्नमेंट डॉक्टर, घर में जो घरेलू नुस्खे थे उन्होंने पूरा आजमाया। तो आप उन से भी मैं यही अनुरोध करता हूँ भाई, डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कोरोना की बीमारी थी ऐसे ही ये भी एक बीमारी है, कोरोना की बीमारी हमें से धरी थी और ये हमारे पशुओं को। तो आप सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, लैम्पी वायरस से डरे नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने पशुओं का ध्यान रखें, सफाई का ध्यान रखें, डॉक्टर की सलाह लें, और जिस पशु को लैम्पी वायरस की बीमारी हो जाती है, पोटाशियम परमैंगनेट, लाल दवाई जिसे हम बोलते हैं, अपने घर में
आप लेके आए 2 लीटर की बोतल पानी की भर ले, उसके अंदर थोड़ी सी 4 या 5 दाने उसके अंदर डाल लें, फुहारे वाली वो लिए के आनी है बोतल, तो अपने पशु के ऊपर दिन में 10 से 12 बार आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके ऊपर मच्छर मक्खी नहीं बैठेंगे, क्योंकि यह बीमारी मच्छर और मक्खियों की वजह से ही हमारे दूसरे पशुओं पे जाती है एलएमपी वायरस की। और उस पशु का जूठा चारा और पानी भी हमें दूसरे पशुओं को नहीं डालना है। आप सभी भाइयों से मेरा इतना ही अनुरोध है, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका छोटा भाई हूँ, अगर मेरे से कोई गलती है तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं, और कमेंट के अंदर जय गौ माता ज़रूर लिखें। जय गौ माता, जय भारत माता। तो करते हैं हम वीडियो का यहीं पे एंड। जय गौ माता।